नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर फरकाबाद से। अनियंत्रित ट्रक पलटा, ट्रक राजस्थान कंपनी कजरिया का लाद कर जा रहा था माल। कजरिया कंपनी के टाइल्स एटा कायमगंज होते हुए ट्रक जा रहा था हरदोई। कार बचाने पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक के अंदर ड्राइवर व हेल्पर फंस गए, जहाँ दोनों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के कैंसर खां के अड्डे के पास का पूरा मामला है, जहां पर यह हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रक अचानक पलट गया। ट्रक राजस्थान कंपनी कजरिया का लाद कर माल ले जा रहा था। वही कजरिया कंपनी के टाइल्स एटा कायमगंज होते हुए ट्रक जा रहा था हरदोई। कार बचाने पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक के अंदर ड्राइवर व हेल्पर फंसे, वही दोनों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। ये पूरी घटना कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के कैंसर खां के अड्डे के पास की है। खास रिपोर्ट देखिए रघुवंश दुबे के साथ। नगला चक्कर गई तो कैसे गाड़ी पलट गई? आप कहाँ ले जा रहे थे? हरदोई। माल कहाँ से लाए थे? राजस्थान का जा रही है। अच्छा, राजस्थान से। तो गाड़ी जैसे आप कायमगंज आए, यहाँ पर गाड़ी पलट कैसे गई आपकी मोड़ पे? गाड़ी बचाने में। कई बजे की बात है? लगभग 9 बजे। कई संबंध कोई पुलिस सूचना नहीं दी थी आपने? कोई ना। अच्छा, गाड़ी से आप निकले कैसे वहाँ से? शीशा फोड़े। स्वयं निकले या किसी लोगों ने निकाला? खुद निकले। अच्छा, आपने मालिक को जानकारी दी संबंध में? मालिक को दी। लगभग गाड़ी में कितना माल होगा ये लगभग अनुमानित तौर पर? 20 लाख। टोटल नुकसान हो गया आपका गाड़ी बचाने में। अब आपके ही शहर फिरोजाबाद में नाक कान गले के रोगों की समस्याओं का सफल इलाज। ENT रोग विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर लव कुमार, MBBS DLO मिलने का समय सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। हमारा पता प्रथम तल नगर निगम मार्केट जिला अस्पताल के सामने स्पीड कलर लैब के ऊपर फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9675770146 7798904825। मैं डॉक्टर लव कुमार यादव, ENT सर्जन, जो कि सरकारी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने नगर निगम की मार्केट में क्लिनिक है मेरा। मेरा जो टाइमिंग है यहाँ 11 बजे से लेके 3 बजे तक है। सोमवार से लेके शनिवार तक मैं डेली यहीं बैठता हूँ अपने क्लिनिक पे। मेरे क्लिनिक पे सारी सुविधाएं हैं, इलाज की भी सुविधा है और सभी तरह की नाक कान गले की सर्जरी की भी सुविधा है। मैं हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी कुछ ऐसे भी मरीज़ देखे हैं जो बाहर से रेफ़र होके आते हैं, जो कुछ बच्चे आर्मी की भर्ती देखते हैं, उनमें से किसी को दिक्कत आती है कि उनके पर्दे में छेद है, उनके पर्दा ही नहीं है। ऐसे लोगों के भी इलाज की सुविधा है, ऑपरेशन की सुविधा है। जो ऑपरेशन बगैर कट लगाए किया जाता है, उसमें कोई टांका या चीरा नहीं लगता है, उस ऑपरेशन की भी सुविधा है। नाक की हड्डी जिनकी टेढ़ी है, उसको सीधा करके ऑपरेशन करने की भी सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ।